हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू टू श्रावणीज किचन। आम का मौसम है और बाजार में आम बहुत ही इजीली अवेलेबल है और आम से हम वेरियस तरह की रेसिपी बना सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं आम का मालपुआ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। एक पके हुए आम का प्यूरी बना लिया है हमने यहाँ पे। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे हम और इसमें हम पहले डालेंगे 1 कप मैदा, 1/4 कप सूजी और चीनी देंगे हम 2 छोटा चम्मच। चीनी यहाँ पे ऑप्शनल है क्योंकि हम बाद में चाशनी भी बनाएंगे। और नमक डालेंगे हम 1 चुटकी किसी भी स्वीट डिश में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे हल्का गरम दूध डालेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे। दूध हम एक साथ सारा नहीं डालेंगे वरना लंप हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और हम बैटर बना लेंगे। बैटर पोडिंग कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने पूरा 1.5 कप दूध डाला है और ये थोड़ा मोटा हो गया है। तो यहाँ पे हम दूध और नहीं डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पे आम भी ऐड करने वाले हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा मॉइस्चर है। तो आम हमने जो लिया है वो हमने ऐड कर दिया है। अब इसे भी हम इसके साथ मिला लेंगे। यहाँ पे आप किसी भी आम का यूज कर सकते हैं, अगर मीठा हो तो बहुत ही अच्छा है। और आम में अगर रेशा हो तो इसे आप छन्नी में छान लीजिए। तो ये देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छे से इसे हमें फेंटना है। इसे आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे हाथ से ही बना लिया है। कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। ज्यादा पतला होने से तेल में देते ही ये पूरा फैल जाएगा। तो इसे हम ढक के रख देंगे आधा घंटा। आधे घंटे में बैटर बिल्कुल सेट हो जाएगा अच्छी तरह से। अब हम चाशनी बना लेंगे। तो कढ़ाई में हमने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है और उसी कप के मेजरमेंट से हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 कप पानी। तो 1 कप चीनी में हम यूज कर रहे हैं 1.5 कप पानी। इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ केसर के धागे, इससे यहाँ पे बहुत अच्छी कलर आ जाएगी। यहाँ पे हम इलायची ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आम के मालपुए बना रहे हैं, तो इलायची के फ्लेवर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए वरना आम का फ्लेवर अच्छे से नहीं आएगा। तो ये देखिए, चीनी बिल्कुल डिजोल्व हो गया है और हमें यहाँ पे कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। बस हल्का सा हाथ में चिपक जाए ऐसे ही चाशनी काफी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं, हल्का सा चिपचिपा सा हो गया है ये। तो हमारी ये चाशनी बनके बिल्कुल रेडी है। हम ओवन अभी बंद कर देंगे और 30 मिनट हो चुका है। तो ये हमारा बैटर भी अभी रेडी है। ये देखिए, बैटर अच्छे से सेट हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अगर बैटर आपका थोड़ा मोटा हो जाए तो आप थोड़ा दूध डाल के उसे पतला कर लीजिए, और अगर थोड़ा ज्यादा पतला हो जाए तो आप थोड़ा मैदा मिला दीजिए इसमें। तो अब चलते हैं मालपुआ बनाने की ओर। कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, थोड़ा ज्यादा करके ही हम तेल डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे। और तेल अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम फ्लेम मीडियम पे रख के यहाँ पे मालपुआ तलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बैटर यहाँ पे डालेंगे। बैटर अपने आप थोड़ा सा गोल होके फैल जाएगा। ये देखिए, एक तरफ से इसे हम अच्छे से तलने देंगे और जब एक तरफ से ये अच्छे से तल जाए तब हम इसे फ्लिप करके दूसरे तरफ से भी इसे हम तल लेंगे। दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक इसे हम तलेंगे। ये देखिए, मालपुआ कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो ये तल के बिल्कुल रेडी है। इसे हम तेल से अभी उठा लेंगे और तुरंत इसे हम चाशनी में डुबो देंगे। और चाशनी भी गर्म होनी चाहिए, इससे मालपुआ एकदम अच्छे से नरम हो जाएगा। तो इसे हम इसमें डुबो के रखेंगे कुछ देर तक और तब तक हम बाकी मालपुए भी तल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे बैटर डालेंगे, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं डालेंगे। और यहाँ पे हम 3-4 मालपुआ एक साथ तल लेंगे। आपके कढ़ाई के हिसाब से आप यहाँ पे मालपुआ तलिए। तो 4 मालपुआ हम एक साथ तल लेंगे। उसी सेम प्रोसेस से दोनों साइड से हम हल्का लाल करके तलेंगे और फिर इसे हम उठा के चाशनी में डाल देंगे। अगर चाशनी आपकी ठंडा हो जाए तो आप फ्लेम ऑन करके चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इससे मालपुए के अंदर तक ये चला जाएगा और ये अच्छे से नरम हो जाएगा। ठंडे चाशनी में देने से मालपुआ हार्ड हो जाएगा। तो पहले वाले हमने जो मालपुआ दिए थे वो हम उठा लेंगे। तो 2 चम्मच के हेल्प से हम एक्स्ट्रा इसमें जो रस है वो निकाल देंगे और फिर इसे हम उठा लेंगे। ये ऑलरेडी रस में डूब के बहुत ही नरम हो गए हैं। इसी तरह से हम सारे मालपुए तल लेंगे। ये देखिए,
बहुत ही सॉफ्ट है और कलर कितना बढ़िया आया है, एकदम आम का कलर है यहाँ पे, फ्लेवर की आम का बढ़िया सा आ रहा है और बहुत ही नरम है ये मालपुए। सो ड्राई फ्रूट्स से हम इसे सजा लेंगे। यहाँ पे हमने पिस्ता और आमंड्स का यूज किया है, ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसे आप घर पे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।